देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। बोल बम के जयकारों के साथ निकले कांवड़ यात्री। चाचौड़ा तहसील के लखनवास निवासी 45 श्रद्धालु कांवड़ लेकर उज्जैन नगरी रवाना हुए। मां पार्वती के घाट से जल भरकर कांवड़ यात्री पैदल महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए रवाना हुए। पिछले 4 सालों से लगातार कांवड़ लेकर कांवड़िए उज्जैन में बाबा महाकाल का अभी जलाभिषेक करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु बोलबम के जयकारे लगाते हुए पूरे नगर में भ्रमण करते हुए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचेंगे। खबर समय जगत के लिए चाचौड़ा से योगेश सक्सेना की रिपोर्ट। बताइए, ये आपकी यात्रा जा रही है कहाँ से और कहाँ के लिए जा रही है? जी, हमारी यात्रा लखनवास से पार्वती से जल भर के लाई है और ये उज्जैन के लिए जा रही है। ये माँ कालेश्वर भगवान पे जल चढ़ाएंगे हमारे गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए। लगभग कितने श्रद्धालु आपके साथ जा रहे हैं? हमारे साथ 40 से 45 के आसपास लोग जा रहे हैं। 45। कितने वर्षों से आपकी यात्रा चल रही है? 4th वर्ष है ये हमारा। स्टार्टिंग में हमने ये 10-12 लोगों से स्टार्ट की थी प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में 25-26 के आसपास, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और हमारा ये लक्ष्य है, ऐसे ही अगर चलती रही तो कम से कम 500-700 तक का टारगेट हम बना लेंगे 1-2 साल में। ये आप बताइए, आप ये यात्रा कर रहे हैं क्या उद्देश्य, आप क्या चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से? हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, बस समृद्धि आए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।